हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम एग्जाम प्रेप ऑफिशियल। आज हम फिजिक्स क्लास 12 का देखने वाले हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई दोनों चैप्टर मैंने एक साथ कर दिए, देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। डीके कांस्टेंट के क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ये आप पढ़ के जाइए। रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आप पढ़कर जाइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फुल आएगा, फुल आप इसमें पढ़ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ मत छोड़ना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स पूछता है ना, जो एन इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन बाय टू वाला जो फार्मूला है, और बहुत सारी चीजें पूछता है, तो ये सब आप पढ़कर जाइए। बोहर्स मॉडल में लिखना भूल गया था, साइड में लिख दिया है। बोहर्स मॉडल से क्वेश्चन हर साल आता है। बोहर्स मॉडल की ही ये चीजें हैं, जैसे वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बोहर्स मॉडल के अंदर ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आप बोहर्स मॉडल कर लीजिएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वैसे तो नहीं आता, लेकिन कभी कभार इससे क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। इसको थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम, ठीक है। रॉक लाइफ के जैसे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ये आप पढ़ लेना एक बार, इससे जरूर क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। तो हो सकता है असर्शन रीजन में थ्योरी में दे दे, या फिर वैसे ही दे दे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बीसी में आप पढ़ लीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी से भी हर साल क्वेश्चन आता है, और अल्फा बीटा गामा डीके से भी हर साल क्वेश्चन आता है। ये जो लास्ट के तीन टॉपिक हैं, इनसे हर साल 100% क्वेश्चन पेपर में बनता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में इनसे क्वेश्चन ना बने, तो इसलिए इन तीनों टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, 10 टॉपिक्स जो एटम्स और न्यूक्लियाई से मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस 10 ईयर के एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको टॉपिक्स बताए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।